हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ मुख्य पॉइंट दिए हुए हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर दिया हुआ है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है, भारत में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, और यहाँ पर दिया हुआ है भारत में कुल नेशनल पार्कों की संख्या क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है झारखंड का नेशनल पार्क क्या है और छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है मैप भारत का। अब इस मैप के द्वारा हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे यहाँ से मुख्य पॉइंट के बारे में। तो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क जो है वह जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। इसी का नाम है, पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वह हेमिस नेशनल पार्क है, ये लद्दाख में है। लद्दाख की राजधानी कहाँ पर है? लेह। तो ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है हेमिस है। ठीक, भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में, 11 नेशनल पार्क जो है केवल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य है। कितने है? 94 है। भारत में कुल नेशनल पार्कों की संख्या, कितनी है? तो वह है 104। भारत में नेशनल पार्कों की संख्या 104 है। और झारखंड का नेशनल पार्क क्या है? वह यहाँ पर दिया हुआ है बेतला नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ का जो नेशनल पार्क है इंद्रावती गुरुघास, ये जो है छत्तीसगढ़ के है। यहाँ पर हमने झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर जो जगह थी उसका थोड़ा शॉर्टेज था, इसलिए हमने वहां पर लिखा। तो आइए इसे मैप के द्वारा देखते हैं कैसे इसे याद करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां से लेते हैं राजस्थान से। यह है हमारा राजस्थान। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान जो है वह केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स नेशनल उद्यान, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है। अब दूसरे पे आता है गुजरात। अब गुजरात के राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? अधिक है। गुजरात में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या वह है गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक। गिर नेशनल पार्क और ब्लैक बक जो है, ये नेशनल पार्क जो है वह गुजरात में है। अब बात आती है महाराष्ट्र की। अब यहाँ पर महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र में है। अब आता है कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, बन्नेरघट नेशनल पार्क है, ये तीनों नेशनल पार्क जो है वह कर्नाटक है। अब इसे पुनः रिविजन एक बार करते हैं। तो राजस्थान का जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क जो है इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और ये तीनों जो है राजस्थान के, केवला देव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, ये तीनों राजस्थान के हैं। अब गुजरात का नेशनल पार्क जो है गिर नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है गुजरात के हैं। और महाराष्ट्र का नेशनल पार्क जो है संजय गांधी नेशनल पार्क जो है ये महाराष्ट्र का है। अब बात आती है कर्नाटक की। नीचे हमारा कर्नाटक है। अब कर्नाटक के नेशनल पार्क जो है नागरहोल, बांदीपुर और बन्नेरघट, ये जो है कर्नाटक के नेशनल पार्क है। अब ये नीचे आता है केरल का जो नेशनल पार्क है साइलेंट वैली, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये केरल में है। और एराबिकुलम नेशनल पार्क जो है ये केरल में है। अब बात आती है यहाँ पर, देखिए दोस्तों, तमिलनाडु का नेशनल पार्क जो है वह है मिदुमलाई, मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी, ये तीनों जो है भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिदुमलाई कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? जो तमिलनाडु का है। मुकुर्थी कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? तमिलनाडु का है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तमिलनाडु में है। तो आंध्र प्रदेश, यहाँ पर दोस्तों आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो है राष्ट्रीय उद्यान है पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। अब इसके साइड में आता है बगल में ओडिशा का राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है भीतर कड़िका
सिमलीपाल, भीतरकनिका का सिमलीपाल जो है वह उड़ीसा राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर है दोस्तों वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी का क्षेत्र आता है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल जो है पश्चिम बंगाल का जो राष्ट्रीय उद्यान है जलदापारा है, सुंदरबन ये है सुंदरबन डेल्टा, जलदापारा और सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल का नेशनल पार्क है। अब यहाँ पर दोस्तों आता है मेघालय, मेघालय का नेशनल पार्क जो है नो क्रेक बिना क्रेक का है मेघालय, मेघालय में कोई क्रेक नहीं है नो क्रेक, तो नो क्रेक जो है मेघालय का राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर, अब यहाँ पर दोस्तों आता है मणिपुर, मणिपुर का नेशनल पार्क जो है वह है काबुल लामा जाओ, ये नेशनल पार्क जो है मणिपुर का है। अब यहाँ पर आता है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, क्या आता है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क जो है नामदफा नेशनल पार्क कहाँ का है अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ का है अरुणाचल प्रदेश, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। और यहाँ से पूछा जाता है जलदापारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल से, ये भी इम्पोर्टेंट है ठीक। जलदापारा और सुंदरबन ये जो है उद्यान कहाँ पर है तो वेस्ट बंगाल में है, नामदफा नेशनल पार्क जो है वह है अरुणाचल प्रदेश में। अब बात आती है यहाँ पर असम है, मेघालय के ऊपर असम है, तो असम का राष्ट्रीय उद्यान जो है वह है मानस नेशनल पार्क और जो है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो दोस्तों काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वह एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। असम राज का जो राष्ट्रीय उद्यान है वह मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहाँ पर आता है सिक्किम का राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कंचनजंगा, सिक्किम का राष्ट्रीय उद्यान जो है कंचनजंगा है, सिक्किम का राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों याद रखिएगा कंचनजंगा। यहाँ पर आता है बिहार, बिहार में सिर्फ केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बिहार का राष्ट्रीय उद्यान जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर आता है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम नहीं दोस्तों, यूके यानी उत्तराखंड, तो यहाँ से उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट, इसी का नाम है हेली नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, ये तीनों नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड के है। एचपी गैस नहीं दोस्तों, एचपी मीन्स हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जो है वह पिन घाटी है, क्या है पिन घाटी, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है पिन घाटी। और यहाँ पर आता है लद्दाख का राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख का है हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख का राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क ठीक दोस्तों। और हमारा जो ये जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान जो है वह है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है दाचिंगम नेशनल पार्क। अब यहाँ पर आता है हरियाणा दोस्तों, तो हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान जो है सुल्तानपुर, क्या है हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान जो है सुल्तानपुर है। अब यहाँ पर आता है एमपी यानी मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना, और पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क जो है ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ के हैं मध्य प्रदेश के हैं। और यहाँ पर आता है एक दोस्तों उत्तर प्रदेश यूपी, तो यूपी में एक दुधवा नेशनल पार्क है, ये है राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड का आप लोगों ने देख लिया शुरू में ही, झारखंड का बेतला नेशनल पार्क है, और छत्तीसगढ़ का जो है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है इंद्रावती गुरुघास दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो दोस्तों एक बार पुनः रिवीजन के लिए, तो सबसे पहले इसे हम याद कैसे करेंगे, तो दोस्तों याद करने के लिए एक सटीक कोई मंत्र नहीं है कि इसे देख लिए तो याद हो गया, पहले हम इसे याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं। तो पहले आप भारत का नक्शा बनाएंगे और इसमें नक्शे में पूरे राज्य जो है उनको लिख लेंगे, फिर राज्य को लिखने के बाद राजस्थान के, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है उसको अमेजिंग करेंगे, एक बार पढ़ेंगे फिर अमेजिंग करके लिखेंगे, दिमाग पर जोर डालेंगे तो आ जाएगा, याद आएगा कि हाँ राजस्थान का कौन सा है तो केवलादेव है, राजस्थान में कौन कौन से है रणथंभौर है, राजस्थान में कौन सा है ये याद आएगा, गुजरात में कौन है ये याद आएगा, दिमाग पर जब जोर डालेंगे तो दिमाग बताएगा कि ये है। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हाथ से लिखने की उतने ज्यादा दिमाग उस पर जोर डालेगा, याद होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार पुनः फिर देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान को, तो यहाँ से लेते हैं राजस्थान से, तो राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान जो है केवलादेव रणथंभौर मुकुंद्रा हिल्स, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान के हैं। गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान जो है गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क,
और महाराष्ट्र का नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, कर्नाटक का जो है नागर होल्स नेशनल पार्क है बांदीपुर, नागर होल बांदीपुर बन्नेर घाट ये कर्नाटक का नेशनल पार्क है, केरल का नेशनल पार्क साइलेंट वैली एराबिकुलम साइलेंट वैली केरल राज्य का नेशनल पार्क है, तमिलनाडु का नेशनल पार्क है मिदुमलाई मुकुर्थी मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का है पापीकोंडा और ओडिशा राज्य का नेशनल पार्क है भीतरकनिका सिमलीपाल और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का नेशनल पार्क जो है जल्दापारा सुंदरबन नेशनल पार्क है, मेघालय में दोस्तों नुक्रेक नेशनल पार्क है, मणिपुर में काबुल लाम जाओ नेशनल पार्क है और अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में, मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, जिम कार्बेट राजा जी फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है, पिन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, दाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर में है, अब पन्ना कान्हा नेशनल पार्क जो है एमपी महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वह हरियाणा का है, यूपी का नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क है, झारखंड का नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क है, छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है गुरुघास नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार टेक केयर बाय बाय।